एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताऊंगा मैं ही, लेकिन मुझे पता है। नहीं, मेरी जरूरत के मैं आपको टारगेट करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मैं आपसे मदद कर लूं? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप इस महफिल के चश्मो चिराग नहीं है, दुल्हा है आज की इस महफिल के। सो इंटरलूप को आप पे फख्र है, और आपके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि ये कंपनी एक स्टेप भी आगे जाए। तो आपकी एफर्ट, आपकी काबिलियत और उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। आपका साया हम सब के सरों पे हमेशा। ज्यादा हो गया? नहीं, आप नहीं जा सकते पीछे। सो ब्रेक कर ले। नहीं, अभी नहीं, अभी 10:30 बजे करते हैं, 10:30। अच्छा जी, कितनी तरह की स्किल सेट्स हैं जो हमें जरूरत है पीपल मैनेजमेंट के लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है, पीपल हैंडलिंग एक स्किल है, कम्युनिकेशन वेरी गुड, टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स, प्रॉब्लम, ये सारी स्किल्स ही चाहिए। लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए इनको कैटेगराइज कर देता हूँ तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देता हूँ। आपकी मर्जी है, जिसको जहाँ पे आप समझते हैं फिट होती है कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहली स्किल जो इंसान को चाहिए कॉर्पोरेट कल्चर में डेवलप करने के लिए अपने आप को, वो है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल की बुनियाद क्या होती है और टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई बताइए टेक्निकल स्किल। सर, टेक्निकल स्किल मतलब अगर कोई लाइक प्रोडक्शन पर है, कोई इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टर्नर, फिटर, फोरमैन, सुपरवाइजर, टेक्निकल स्किल है ना। तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स टेक्निकल है, एक्सेल, वर्ड और अकाउंटिंग में भी कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, सेल्स में कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, ये जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं। सो जितनी टेक्निकल स्किल्स हैं, इनमें एक स्किल है जिसको कहते हैं बॉर्डर पे खड़े होके गन फायर करना, टेक्निकल स्किल है। कार ड्राइव करना टेक्निकल है, सॉफ्ट स्किल है, टेक्निकल। टेलीफोन ऑपरेट करना, जहाज चलाना, तो जितनी ये टेक्निकल स्किल्स मैंने गिनवाई, इसमें जब कोई हादसा होता है सबसे पहले कौन जाता है इस दुनिया से? टेक्निकल स्किल वाला बंदा। मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो कौन नुकसान उठाता है सबसे ज्यादा? फिजिकल नुकसान, जो ऑपरेट कर रहा होता है, टर्नर, फिटर, वेल्डर, गैस पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, शेड गिर जाते हैं, कुछ ऐसे मामलात लोकल इंडस्ट्री में होते हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज में कम होते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों को, हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड्स किसको सबसे ज्यादा सामना होता है? गन जब चलाता है सोल्जर, पहली गोली किसको लगती है? सोल्जर को, फ्रंट लाइन। ये सारी जॉब्स को, ये स्किल्स कौन सी हैं? टेक्निकल से फ्रंट लाइन। और फ्रंट लाइन स्किल्स में बहुत कम स्किल्स ऐसी हैं जिन पे अच्छा पे किया जाता है, साइंटिस्ट के अलावा, कुछ डॉक्टर्स के अलावा टेक्निकल स्किल है ना। बाकी जितनी स्किल्स हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्किल्स में लो पेइंग जॉब्स हैं। कुछ लोग अपने काम में कुछ यूनिक, कुछ नीश निकालते हैं, उनको अच्छा पे करते हैं, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सब लोग टेक्निकल स्किल एक्वायर करके, टेक्निकल जॉब करके बहुत अच्छी ज़बरदस्त लाइफ गुजार लेंगे। सो इसमें ज़्यादातर आप अपने काम के ज़िम्मेदार खुद होते हैं, टीम नहीं होती है आपके पास। दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्किल की कैटेगरी है वो है ह्यूमन स्किल्स, जिसमें आता है पीपल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड्स, मैनेजर्स, मिडल मैनेजमेंट। पहली फ्रंट लाइन, दूसरी मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को मैनेज कर सकें, उनके इमोशंस, उनके मामलात को हैंडल कर सकें, जिसमें सारे ह्यूमन इंटरपर्सनल जिसमें हम कवर करते हैं। और जिसके पास टेक्निकल स्किल हो और प्लस ह्यूमन स्किल्स हो, वो अच्छा मैनेजर साबित होता है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल के साथ अच्छा मैनेजर बनना मुश्किल काम है। मैनेजमेंट फेलियर कहते हैं उन मैनेजर्स के बारे में जो टेक्निकल स्किल की बुनियाद पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स ना हो, मैनेजेरियल या मैनेजमेंट ह्यूमन स्किल्स हो, तो भी मुमकिन है आप अच्छे मैनेजर बन जाएं।
क्योंकि आपने हाथ से खुद काम नहीं करने, आपने एक ट्रस्ट डेवलप करना है, आपने डेलीगेशन करनी है, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करें और आप ऑर्गेनाइज करें, फैसिलिटेट करेंगे। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, चलो जी जो जो चाहिए सपोर्ट देते जाएंगे और काम अच्छे से होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट स्किल हासिल कर लें तो उसकी कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल मींस कि मैं इस कंपनी को 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ, कहाँ लेके जाऊँगा, इस कंट्री को कहाँ लेके जाऊँगा, इस डिपार्टमेंट को कहाँ लेके जाऊँगा, इस टीम के लिए मेरा विजन क्या है। फॉरवर्ड थिंकिंग, विजनरी थिंकिंग, एम्बिशियस होना जरूरी है इसके लिए ना। तो विजन क्या है? विजन को कहते हैं कि एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, और मेरे विजन में वो चीज है, मैं आप लोगों को बताऊं और आपको ऐसे लगे कि ये उस चीज की बात करें जो यहीं कहीं आसपास मौजूद है, उसको कहते हैं विजनरी होना। कि अपने विजन को इस तरीके से बताना जैसे वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हो। तो ह्यूमन स्किल्स, आप देखिए ना, आप सब के लिए ह्यूमन स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब कंपनी आप सबको देख रही है कि आप में से किसको हम टॉप पोजीशन पे लेके आएं, तो वो कौन सी स्किल्स आप में गेज करेंगे थ्रू एचआर या थ्रू पॉलिसी। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में जब हम वीक होते हैं तो हम परफॉर्म भी नहीं कर पाते, हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। फिर कंपनी पता क्या करती है, बाहर से लोग लेके आती है। ये मुमकिन नहीं है कि स्टाफ में पोटेंशियल भी हो, टैलेंट भी हो, स्किल भी हो और उनको ना किया जाए प्रमोट। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी सर ने जो बात की है इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये कम ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाहर से बहुत सारा टैलेंट बाहर से जो हायर कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी में भी बहुत सारा टैलेंट छुपा पड़ा है जिसको आगे लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको पॉलिश किया जाए तो उन पोजिशन पर वो लोग जा सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं अभी कह रहा था, 100% सेम, कि अगर हम अपने आप को डेवलप कर लें या अनकवर टैलेंट अपना करें तो कंपनी को नजर आए यार ये बंदा जबरदस्त है, यार ये मुझे अगला सीईओ चाहिए, तो कंपनी ले जाएगी ऊपर। और अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, ये आपकी अगली बात होगी जो मैंने कर दी। का मेन काम ये नहीं है हायरिंग फायरिंग और सैलरी वगैरह, ये तो लोग, हाँ ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ एचआर है ना। असल काम तो ये है कि राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट पोजीशन, और रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए हम लोगों को डिवेलप करें कि कंपनी की नीड्स इन हाउस हो सकें। तो जहाँ पे भी लोग खुद से नहीं कर पा रहे होते अपने आप को डेवलप, वहाँ एचआर का रोल आता है कि वो बैठे सेशंस करे उनके साथ, और यकीनन आप करते होंगे, ये हो जाए तो फिर हम अपने लोगों को ही प्रमोट करें और उनको ऊपर लेके आए। 100% आप जो कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं। तो एचआर से वैसे भी इख्तलाफ करना नामुमकिन है। मुझे पता नहीं था आप एचआर में हैं सर, मैं अपना माइक वापस लेता हूँ। अब मैं किसी और दोस्त के साथ इंटरेक्शन बढ़ाता हूँ। इंटेलेक्चुअल स्किल्स अगर हम सीख लें तो हम बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये सीखेंगे कैसे, यही पूछना था ना आपने सर अभी, ये सीखें कैसे, कौन सी डिग्री होती है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल स्किल सीखते हैं। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, अंदर से आपको इंस्पायर कर रहा है जो करने को वो करें। आपको आपको कंपनी कहती है कि यार ये काम करें आप, और आप कहते हो मेरे पास इसकी डिग्री भी नहीं है, मेरे पास तजर्बा भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। आपके पास ये स्किल्स आप हासिल नहीं करना चाहते, आपने रोड ब्लॉक लगा दी। जहां जहां ये स्किल इस्तेमाल होती है उस तरह की पोजीशंस पे काम करने की कोशिश करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपनी करंट पोजीशन में रहते हुए वो एक्टिविटीज परफॉर्म करें जहां ये यूटिलाइज होती है। ये मसल की तरह है, यूज नहीं करें डेड हो जाएगी, फ्लरिश नहीं होगी ये स्किल अगर यूज नहीं करेंगे। ये लीडरशिप स्किल है, मैनेजरियल स्किल नहीं है। लीडर के लिए आप खुद उठ के वॉलंटियर करते हैं कि आई एम गोइंग टू फॉलो यू,
मैनेजर डिक्टेट कर रहा है। मैनेजर को डिक्टेशन देनी पड़ती है या वो एक मैनेजमेंट की जो एक जो कंपनी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो भी पाबंद है, आपके जूनियर्स भी पाबंद हैं फॉलो करने के लिए, सिस्टम बना हुआ है ना। तो लेकिन जब मैनेजर की कैपेसिटी से बाहर निकल के कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो वहाँ एम्प्लॉयज कह सकते हैं सॉरी भाई ये मेरा काम नहीं है, और अगर एम्प्लॉयज नहीं कहते हैं जो हुक्म हम करेंगे दैट मींस के लीडरशिप स्किल्स यूटिलाइज हो रही हैं, मैनेजेरियल स्किल से बात ऊपर चली गई है। कोई शख्स वॉलंटैरली अपने आप को सरेंडर कर दे आपके सामने फॉलोअर के तौर पे, देन यू बिकम अ लीडर एंड ही बिकम्स अ फॉलोअर। इसमें वॉलंटैरली है, पैसे नहीं मिल रहे, कोई कुछ नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, अनकंडीशनल है। क्यों लोग आपको फॉलो करें, वो वाई क्रिएट करना है। अगर वो नहीं है तो फिर एचआर के कहने पे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, काम भी करेंगे, वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी। वैल्यू क्रिएशन कैसे होती है, अभी आप सब यहां बैठे हैं इस कमरे में, तो आप यहां पे मौजूद हैं क्यों, हाजिरी लग सकती है, वी कैन काउंट एवरीवन के एक दो तीन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आप हाजिर हैं या नहीं हैं ये नहीं हम तय कर सकते। वैल्यू एडिशन मौजूदगी से नहीं होती, हाजिर होने से होती है, मेंटली इन्वॉल्व होने से होती है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और फोन पे चैट कर रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन ना आप करेंगे ना मैं आपकी लाइफ में कर पाऊंगा। तो जब आप मौजूद ही नहीं है, एक एग्जांपल दूं, बैंक में एक मेरे टीचर गए, तो वो पढ़ाते हैं और गए बैंक में बिल जमा कराने दोपहर 12 बजे गर्मियों में, और उस टाइम रश नहीं था और जो कैशियर या टेलर था वो अपनी सी, आमतौर पे तो उसको एक मिनट नहीं मिलता का कुछ और करने का क्योंकि रश होता है, लाइन लगी होती, वो उस टाइम पे थोड़ा फ्री था और वो एक किताब पढ़ रहा था। तो वो साहब जो गए मोहम्मद रिजवान, उन्होंने उनको कहा, किताब पढ़ते देखा और खामोशी से खड़े हो गए क्योंकि टीचर थे तो किताब पढ़ने वाले का तो बहुत अदब है। तो उन्होंने कहा मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ये बात अपना कंप्लीट कर ले पेज व्हाटएवर ये। तो एक मिनट तक खड़े रहे, वो इतना महव था कि उसे पता नहीं चला कस्टमर खड़ा है सामने। उसने देखा और कहा रिजवान साहब आप, क्योंकि रेगुलर जाते थे, किताब साइड पर रखी, तो रिजवान साहब ने कहा कि भाई क्या बात है, क्या ऐसा पढ़ रहे थे, गुम हो गए, तो बताओ तो सही क्या किताब है। तो किताब उठाई दिखाया, दीवाने गालिब, कैशियर दीवाने गालिब पढ़ रहा है। कभी सोचा आपने ऐसा मौजदा? एनालिटिकल स्किल्स, नंबर्स। एक उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, अगर इतना इन्वॉल्वमेंट है उर्दू अदब में, दीवाने गालिब आम आदमी नहीं पढ़ता, तो क्या वजह है कि तुम यहाँ बैठे हो। तो उसने कहा सर मेरे वालिद साहब इस सीट पे बैठते थे, कैशियर थे, डेथ हो गई, मैं एमफिल उर्दू कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरा कोई लेन देन नहीं था इस जॉब से, इस डिग्री से, इस काम से, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बैंक ने ऑफर किया बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मुझे मजबूरन करनी पड़ी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मौजूद है, हाजिर नहीं है। वो वैल्यूएशन करेगा? एज अ लीडर यू सी समथिंग विच अदर पीपल कैन नॉट सी, ये लीडर बनने की पहली निशानी है। वाई पीपल शुड फॉलो यू, आप ऐसी चीज देख रहे हो, विजन कर रहे हो जो बाकी नहीं कर रहे, और आपने लोगों को बताया, उन्होंने कहा हो यस, ओ यस ये बंदा ठीक है, हम फॉलो करते हैं, वॉलंटियर करते हैं इसको फॉलो, इसके फॉलोअर बनने के लिए। वॉलंटैरली लोग क्यों सरेंडर करेंगे आपके सामने अपनी विल को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी जो आप देख रहे हो, उनको दिखा रहे हो, बता रहे हो। आप एज ए मैनेजर अपनी टीम को ऐसी क्या चीज़ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं जो वो कहें कि हाँ ये बात ज़बरदस्त है सर, अगर ऐसा हो जाए तो कमाल है, तो हम करते हैं सर, लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट। उसके रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होंगे और वो टीम फौरन गेज कर जाएगी कि ये हमें करना चाहिए, और वो वक्ती रिवॉर्ड की बगैर परवाह किए आपके साथ उस पर सेम पेज पे आ जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़, ही इज़ विलिंग टू थिंक, फील एंड एक्ट फॉर मोर पीपल देन हिमसेल्फ, ये लीडरशिप का पहला असूल है, और ये पीपल मैनेजमेंट का पहला असूल है कि आप कोशिश करें कि आप एज ए मैनेजर के रोल से अबव एंड बियॉन्ड जाके लीडरशिप की इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को एक्वायर करें और लोगों के सामने एग्जाम्पल बने।
एग्जाम्पल कैसे वो के हम ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम इस लहजे में बात करना चाहते हैं, हम इन जैसा दिखना चाहते हैं, हम इनकी तरह खड़े होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, इनकी तरह खाना खाना चाहते हैं, इनकी तरह काम करना चाहते हैं। कब? जब आप उनसे बेहतर करोगे। सेम सेम को कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। और हम क्यों नहीं करते? हमने कभी गोल सेट नहीं किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए।